अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग रॉजर सीएसपी व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर लें तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट है हॉक्स बे रोड पर, और यहाँ पर बलोच आइसक्रीम के नाम से बहुत मशहूर है, और ये जो है इतना फेमस हो चुका है, मतलब यहाँ जितने भी जैसे कि जो पिकनिक पॉइंट के लिए लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑनर है उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके रेस्टोरेंट की जो स्पेशलिटी है वो क्या क्या है? आइसक्रीम के नाम से मशहूर है बलोच आइसक्रीम, लेकिन अवेलेबल क्या क्या है यहाँ पे? सर, बलोच आइसक्रीम के नाम से मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, हम काफ़ी टाइम से तकरीबन 1945 से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये बलोच आइसक्रीम के ऑफिशियल फ्रेंचाइज है, उसके मैं ऑनर हूँ, यहाँ का अब्दुल बासित नाम है मेरा। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक नया स्टार्टअप लिया, जैसे बारबेक्यू हो गया, कढ़ाई है और फास्ट फूड है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इनके जितने भी यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की जो डिशेस हैं हम उनको देखते हैं, और जो आइसक्रीम के फ्लेवर है हम वो भी आपको बताते हैं। सो ऑनर से तो हमारी मुलाकात होगी, और कौन कौन सी जगह पे आपकी ब्रांचेज है अवेलेबल? सर, हमारी ब्रांचेज हैं सदर में है, गुलशन इकबाल में है, गुलिस्तान है जौहर में है, फोर्ट बेसन में है, खारादर, बदर कमर्शल और फेज़ टू में है डिफेंस में। प्रॉपरली इनके रेट्स वगैरह पता करते हैं और जो है इनके जो फ्लेवर हैं और जो स्पेशलिटी है उसके बारे में जानते हैं। सो कम ऑन, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी हम बारबेक्यू की तरफ देखते हैं कि बारबेक्यू की तरफ क्या रेडी हो रहा है, तो हम पूछते हैं इनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक ठीक ठाक। अच्छा, अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? जुमा खान। जुमा खान भाई, तो आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या क्या तैयार हो रहा है इस वक्त? हमारे पास तैयार हो रहा है मलाई टिक्का। मलाई टिक्का, तुर्कश कबाब। ठीक है। ये मलाई पूटी, चिकन पूटी, सिख कबाब, लेकुलर टिक्का, चरसी टिक्का। चरसी टिक्का, ये इसका नाम ऐसा क्यों है? चरसी टिक्का क्यों है इसका नाम? यार, ये चरसी है, ये बहुत अच्छा आइटम है और अच्छा चलता है। अच्छा, अलग अलग जो उनके प्राइजेज हैं हर एक चीज़ जो आपके बारबेक्यू आइटम है उसके प्राइस मुझे बताते जाएं। ये मलाई टिक्का 250 का है। 250? जी जी। ये तुर्कश कबाब 350 का है। 350? जी जी। ये मलाई पूटी 280 का है। मलाई पूटी कितने का? 280 का। 280 का। और ये चिकन पुटी 240 रुपए का प्लेट है। अच्छा, इसमें जो है ये दो स्कीवर्स हैं, मतलब ये दो सीखे आप देते हैं एक साथ? जी जी, दो सीखे हम देते हैं, मतलब पेयर बना हुआ है ना, जो आप प्राइस बता रहे हैं उसमें दो स्कीवर्स आ जाएंगे। और ये चरसी टिक्का है 250 का है। 250 के दो सीखे, मतलब दो स्कीवर्स आ जाएंगे इसमें। दो स्कीवर्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप अगर रश आवर हो तो उसमें कितनी देर में आप ऑर्डर निकाल के दे देते हैं, और इसके अलावा अगर रश आवर ना तो फिर कितनी देर में आ जाता है? या रश आवर भी हम 12 मिनट में ऑर्डर निकाल के देते हैं। रश आवर में 12 मिनट में? 12 मिनट भी कम है यार, 12 मिनट में ऑर्डर आ रहा है रश आवर में। अच्छा, रश अगर ना हो तो फिर कितनी देर में आप ऑर्डर दे देते हैं? तकरीबन 8 से 9 मिनट में। 8 से 9 मिनट में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ बारबेक्यू का जो क्विक सर्विस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, कुछ जो है प्रॉपर्ली काम आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ के जो इनके बंदे हैं वो बहुत ही खुश अखलाक हैं। तो अभी हम चलते हैं दूसरी जानिब, और वहाँ पे जो है कढ़ाई रेडी हो रही है, हम वो भी देखते हैं कि वो किस तरह से रेडी हो रही है, आपको प्रॉपर्ली वो भी दिखाते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। इनका कढ़ाई बनाने का तरीका क्या है, और ये किस तरह कढ़ाई रेडी कर रहे हैं, और इनके जो फेमस जो कढ़ाई है वो कौन सी है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? अनवर जेब। अनवर जेब जी। तो अनवर भाई, आप मुझे बताएं कि आप इस वक्त क्या रेडी कर रहे हैं, और लाइव जो आपकी जो कुकिंग चल रही है वो इस वक्त किस चीज़ की? चिकन कढ़ाई। जी जी। अच्छा, और ये तकरीबन 10-15 मिनट में तैयार होते हैं, और हमारे साथ मटन कढ़ाई भी है, वाइट कढ़ाई भी है, ग्रीन कढ़ाई है। अच्छा, चरसी कढ़ाई है, बलोची कढ़ाई है। अच्छा, बलोची कढ़ाई और चरसी कढ़ाई, इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया? मतलब मेरे लिए थोड़ा यूनिक है कि ये नाम काफ़ी मैंने बहुत जगहों पे सुना नहीं है, तो इसमें क्या स्पेशल है या क्यों इसका नाम है ये रखा गया है? जी, इसमें तो स्पाइसी इस वजह से थोड़ा सा मसाला तेज है इसमें। अच्छा, और काला नमक भी इसमें। काला नमक जी। अच्छा, और बलोची कढ़ाई है, इसमें भी काला ब्लैक पेपर भी ज़्यादा डालते हैं। मतलब इसका नाम इसलिए चरसी कढ़ाई और बलोची कढ़ाई है कि ज़्यादा स्पाइसी और धमाकेदार किस्म का इसमें जो फ्लेवर है। तो ठीक है, तो अभी ये कितनी देर में बन के रेडी हो जाएगा जो आप बना रहे हैं? क्वार्टर तो तकरीबन 10-15 मिनट में इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि इनके प्राइस क्या दे रहे हैं आप? ये प्राइस जो अवेलेबल हैं वो इस वक्त क्या है, और प्राइस जो है वो मेंशन करना यू नो बहुत ज़रूरी होता है, तो आप मुझे बताएं कि ये हाफ क्वार्टर जो है आप कितने में दे रहे हैं? जी, तो 350 का क्वार्टर है। अच्छा, और आधा किलो तकरीबन 550 का है। 550 जी, और किलो 1100 का। अच्छा, इसमें जैसे कि डिफरेंट टाइप की जो कढ़ाई के फ्लेवर्स आप मुझे बता रहे हैं, तो प्राइस सबके डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे या एक जैसे प्राइस है? नहीं नहीं, अलग अलग है ना, चिकन मकनी कढ़ाई का अलग है, और चिकन मकनी का जो है प्राइस क्या है इसका? 800 रुपये का आधा किलो है। अच्छा, उसमें क्या स्पेशल है ऐसा? उसमें मकनी कढ़ाई में तो मकन भी डालते हैं हम लोग, और ये टेस्टी बहुत है। टेस्टी बहुत है।
अच्छा तो फ्रेंड्स अभी इनका जो ये पोर्शन है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और देखें यहाँ पे जितना भी रोस्ट वगैरह, जिंगर और क्लब सैंडविच, बर्गर सब यहीं तैयार होता है। तो यहाँ पे जो तैयार करने वाले हैं हम उनसे पूछते हैं कि ये कैसे तैयार करते हैं और जो फेवरेट जो इनकी जो स्पेशल जो है वो क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र आप। अच्छा आप बताएं कि आपके यहाँ जितना भी ये फूड तैयार हो रहा है ये विद इन कितने मिनट में आ जाता है और आप कितनी देर में लोगों को दे देते हैं? 10 मिनट में दे देते हैं। 10 मिनट में आप फूड तैयार करके दे देते हैं? जी जी। अगर रश आवर हो तो फिर कितना टाइम लगता है? 15 मिनट में। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये सब मुझे दिखाते जाएं आस्ता आस्ता क्या क्या तैयार हो रहा है यहाँ पे और क्या क्या बन रहा है। अच्छा ये क्या तैयार हो रहा है यहाँ पे? ये स्टिक बर्गर जी। स्टिक बर्गर, वो आगे वाला चिकन बर्गर। आगे वाला कौन सा है? चिकन बर्गर। चिकन बर्गर, ठीक है। तो ये कितने में दे देते हैं आप? प्राइस, हाँ प्राइस इसके क्या है? स्टिक बर्गर 250 का और चिकन बर्गर 200 का चिकन बर्गर है। तो यू नो हर एक का फेवरेट होता है क्लब सैंडविच, हर कोई खाता है। तो ये आप कितने में दे देते हैं और कितने पीसेस हैं इसमें? इसमें 4 पीसेस है 220 के दे। और क्या बना रहे हैं आप यहाँ पे? जिंगर बर्गर बना रहे जी। जिंगर तैयार किया गया जिंगर बर्गर के लिए जी। ठीक है, ये तो ये हाफ डन है, मतलब आधा तैयार किया हुआ है इसको, मतलब आधा तैयार करके रहते तो फिर मतलब इसको फुल फ्राई कर देते हैं। ठीक है, ठीक। तो फ्रेंड्स इस वक्त जो है यहाँ पे एक फ्लेवर तैयार हो रहा है, हम देखते हैं कि ये फ्लेवर कौन सा रेडियो है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद अली। अहमद अली, तो अहमद अभी आप मुझे बताओ कि आप कौन सा फ्लेवर रेडी करने जा रहे हैं? फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी आइस केक। स्ट्रॉबेरी आइस केक जी, इसमें केक के पीसेस होते हैं ना? अच्छा, हाँ चंक्स आएंगे जैसे केक के। जी जी। और ये फ्लेवर है हमारा फेवरेट, सब यानी कि हर कोई आता है, ये मशहूर फ्लेवर है हमारा सबसे, मैंगो। मैंगो, हाँ ठीक है। का वन सिंगल स्कूप है वो आप कितने में दे रहे हैं? 80, मतलब आप कोई भी फ्लेवर कर ले लें इसमें, कोई सभी फ्लेवर ले लें 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में आप फ्लेवर दे रहे हैं जी। और ये जो इस वक्त ये फलूदा तैयार हुआ है ये कितना प्राइस है इसके? 260 का। 250 का? हाँ 260। 260, 260 में। और अभी आप कौन सा फ्लेवर रेडी करने लगे? ये कुल्फा फ्लेवर है हमारा, किंग कुल्फा के नाम से मशहूर होता है बलोच का। कौन सा कुल्फा? किंग कुल्फा। किंग कुल्फा जी, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा यानी कि खासतौर पे कराची वालों को बहुत पसंद आता है, जो खाने के बाद अक्सर खाते हैं। अच्छा ये एक कुल्फा कितने में मिल जाएगा? ये 150 का। 150 में? 150 में जी। 150 150 रुपये में जो है आपको डबल स्कूप मिल रहा है। मैं कहता हूँ इससे और अच्छा नहीं हो सकता कोई भी, कि आपको बलोच आइसक्रीम में इतना ज़बरदस्त फ्लेवर, कुल्फा फ्लेवर जो है आपको 150 में, 150 रुपये में इतना अच्छा फ्लेवर। और देखें फ्रेंड्स ये इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है, ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी नहीं है। आई थिंक दोनों चीज़ें जो है, बल्कि बेशक जो है दोनों चीज़ें जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो बोथ आर गुड। फलूदा तैयार हो रहा है यहाँ पे, और जो यहाँ पे इस वक्त जो फलूदा तैयार करने वाले हैं हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या प्राइस दे रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बता दें? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ, तो आप इस वक्त क्या तैयार करें फलूदे में, जो आप इंग्रीडियंट्स यूज़ करेंगे वो कौन कौन सी होंगी वो आप बना के दिखा? अच्छा रोज़ आइसक्रीम के बाद आप क्या डालेंगे इसमें? अच्छा ये आप क्या डाल रहे हैं इसमें? नूडल्स। नूडल्स जी। अच्छा फ्रेश फ्रूट, ये क्या है? फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट, ये फ्रेश फ्रूट में कौन से फ्रूट यूज़ कर रहे हैं आप? इसमें नाशपाती होती है, पाइनएप्पल होता है, सेब होते हैं। ठीक है, मतलब ये स्पेशल जो है फ्रेश फ्रूट्स वगैरह से तैयार किया जाता है ये जितना भी फलूदा है। ठीक है, और इसमें आप क्या ऐड करेंगे? इसमें हम लोग मिल्क डालेंगे। ये क्या चीज़ है? दूध। अच्छा ये खोए वाला दूध है, कुछ इसी तरह से लग रहा है। अच्छा फ्रेंड देखा आपने कि कितना नेचुरली जो है इसको तैयार किया जा रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई ऐसा कोई जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है उसमें फ्लेवर्स यूज़ करते हैं, लेकिन इधर जो है आपके सामने नेचुरली जो है वो चीज़ें तैयार की जा रही है। इसमें स्पेशली जो है ड्राई फ्रूट जो है वो आपके सामने आप देख रहे हैं कि जो ड्राई फ्रूट का पाइनएप्पल आइसक्रीम, ये पाइनएप्पल आइसक्रीम भी आ गई इसमें एक एक स्कूप। ठीक है, अच्छा ये इसके प्राइस क्या है, ये कितने में दे देते हैं आप? 260 में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें और काफ़ी एडिशन होना है, ये क्या चीज़ है? जेली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस तरह इस वक्त तो यहाँ पे काफ़ी सारा इनका ऑर्डर रखा हुआ है, जैसे कि आप देखें एक फलूदा तैयार नहीं हो रहा, यहाँ पे 6-7 ये भी रखे हुए हैं, 2-3 जो है इस वक्त आपको तैयार होते भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है इनके यहाँ स्पेशल फलूदा है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हमारा आइसक्रीम फलूदा। ये कौन सा है? आइसक्रीम फालूदा। आइसक्रीम फालूदा, इसमें एक स्कूप आइसक्रीम होती है। अच्छा,
इसमें नूडल्स होते हैं और मिल्क होती है, थोड़ी सी सिरप होती है। सिरप, सिरप किस चीज़? थोड़ी सी सिरप, यानी कि चाशनी हम लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल वो जैसे मीठा शुगर सिरप। हाँ, शुगर हल्का फुल्का हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें जो है भाई कह रहे हैं कि आप फ्लेवर टेस्ट करके बताएं कि फ़्लेवर किस तरह आ रहा है। हर फ्लेवर की जो है अलग क्वालिटी होती है, अलग ही टेस्ट होता है। तो ब्रदर, हमें दिखाएं कि कौन सा फ्लेवर है आपके पास, स्पेशल फ्लेवर जो है वो दिखाएं। यहाँ के बच्चों का फेवरेट है। बच्चों का फेवरेट है, बच्चों का फेवरेट है। ये फ्लेवर का क्या नाम है? ये फ्लेवर का नाम है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी, जी हाँ, ब्लूबेरी। ठीक है। और ये फ्लेवर है हमारा चॉकलेट चिप। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। चॉकलेट चिप, चॉकलेट चिप, जी। समझ लो यहाँ के हमारे सबसे रनिंग वाले स्पेशलिटी, ये रनिंग फ्लेवर करते हैं यहाँ के एरिया। ठीक है। हाँ जी, ये जो हमारा होता है किंग कुल्फा, जो आपको पहले भी मैंने बताया था, जी ये स्पेशल होता है। तो यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है, बड़े छोटे बूढ़े बुजुर्ग सबको पसंद है माशाल्लाह। यहाँ कुल्फा होता है, ये इसमें केक के पीसेस होते हैं। ठीक है, आप टेस्ट करें, केक के पीसेस होते हैं इसमें। स्टूडेंट यहाँ के ज़्यादातर पसंद करते हैं इसको। ठीक है, लाइक करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर मैं फ्लेवर टेस्ट करता रहूँगा तो फ्लेवर तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनके फ्लेवर की जो है वो थिकनेस का अंदाज़ा हो गया है कि फ्लेवर जो के जो है कितने थिक हैं। और नो डाउट इनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही यू नो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इनके। हर फ्लेवर में जो है चंक्स आ रहे हैं, जैसे बादाम के चंक्स आ रहे हैं, पिस्ता के, और चॉकलेट जो है वो, अगर चॉकलेट की बात की जाए तो चॉकलेट के भी चंक्स आ रहे हैं जो इनके डिफरेंट टाइप के जो फ्लेवर्स हैं। कई जगह फ्लेवर में चॉकलेट भी यूज़ हो रही है। इसके अलावा जो ब्लूबेरी है वो भी फ्लेवर बहुत अच्छा है, उसमें भी डिफरेंट टाइप के जो चंक्स हैं वो आ रहे हैं। तो अगर मैं फ्लेवर टेस्ट करने लगा तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर हो जाएंगे, मतलब मेरे लिए ज़्यादा हो जाएंगे कि मैं हर एक फ्लेवर को टेस्ट कर करके बताऊं। तो फ्रेंड्स इस वक्त जो है वो कढ़ाई बन के रेडी होगी और आपको दिखाते हैं कि कढ़ाई जो है वो कैसी लग रही है इस वक्त। तो ये देखें फ्रेंड्स, कढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है। और हमें जो है स्पेशली जो है कहा गया कि आप टेस्ट करके बताएं कि ये कढ़ाई कैसी है और इसका जायका क्या है, आपको किस तरह लग रहा है खाने में। तो मेरा भी ये फर्स्ट विजिट है यहाँ का और मैं आपको ये कढ़ाई टेस्ट करके बताता हूँ इसका जो जायका है वो कैसा आ रहा है। मेरे सामने लाइव तैयार हुई है और मुझे जो है बहुत अच्छा लगा जब मेरे सामने लाइव कढ़ाई तैयार हुई थी। तो अभी मैं बगैर टाइम जाए कि आपको खा के दिखाता हूँ कि ये कढ़ाई कैसी बनी। इतनी ज़बरदस्त लग रही है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और मैं अब आपको जल्दी से टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा जायका आ रहा है इसका। ठीक है, फ्रेंड्स बहुत ही कमाल का टेस्ट आ रहा है यहाँ पे, इनकी कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही आला है। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये इनके प्रॉपरली जो है मेन्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैंने आपको दिखाने के लिए जो है एक जगह डिस्प्ले पे ये सारे मेन्यू रख लिए कि आपको प्रॉपरली इनके जो है प्राइसेस बता सकूं। और देखें रीजनेबल प्राइस हैं। अगर हम बात करें फ़ास्ट फूड की तो फ़ास्ट फूड के प्राइस देखें यहाँ पे आपको लिखे नज़र आ रहे होंगे। तो जितना भी फ़ास्ट फूड का मेन्यू है वो ये आपके सामने अवेलेबल है, आप इसमें से देख सकते हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस हैं। और रीजनेबल प्राइस के साथ साथ इनका जो इखलाक है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा बारबेक्यूब है, बारबेक्यूब के साथ साथ आप देखें कढ़ाई है, कढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे इनके पास फ्लेवर हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें कि इनके पास जो आइसक्रीम में बहुत अच्छे फ्लेवर हैं, और मैंने आपको जो है यहाँ पर टेस्ट भी करके बताया कि जो इनके फ्लेवर हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत थिक हैं, इनमें कोई भी ऐसी मिलावट नहीं है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में जो है यहाँ आइसक्रीम यूज़ की जा रही है। तो बेशक आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ इसके आइसक्रीम टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है पूरा विज़िट जो है कंप्लीट हो गया, हमने बारबेक्यूब का भी विज़िट किया। इसके अलावा जो है जो इनके जो फास्ट फूड है जिसमें इनके पास बर्गर वगैरह हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, और आइसक्रीम तो डेफिनेटली बलोच आइसक्रीम है तो ऑब्वियसली जो है टेस्ट करना बनता है। और आप जब भी आएँ तो आप ये माइंड में जो है कॉन्सेप्ट लेकर आएँ कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, यहाँ सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, हर तरह का आपको जो है फास्ट फूड के हवाले से अगर आप चाहते हैं या कढ़ाई वगैरह आप खाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो अभी हम भाई से इजाज़त लेते हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स अभी जो है आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर यार। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।